हेलो फ्रेंड्स, किरण द नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सुंदर और इजी डिज़ाइन। ये डिज़ाइन फ्रेंड्स सिर्फ एक सिलाई का है। जो मैं आपको एक सिलाई बताऊंगी उसको आपको हर तरफ वही रिपीट करते जाना है। रिवर्सेबल पैटर्न है, ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखेगा। ये देखिए, ये मैं एक साइड से आपको दिखा रही हूँ, इसकी रॉन्ग और राइट साइड बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, इधर से दिखाया और इसको पलट के मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाऊंगी तो ये सेम बन के आएगा। तो ये सेम बन के आता है तो इस वजह से आप इसको शॉल पे, स्टॉल पे, मफरल पे, जैकेट पे भी डाल सकते हैं और चाहें तो आप कार्डिगन भी इसका बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो डिज़ाइन आपको दिखा रही हूँ ये मैंने 10 नंबर की सिलाइयों पर बनाया है। अगर आपने जैकेट बनानी है या कार्डिगन पे डालना है या बच्चे के स्वेटर पे डालना है तो आप 10 नंबर की सिलाई पे बनाइए। अगर आपने शॉल, स्टॉल, स्कार्फ ऐसा कुछ बनाना है तो आप थोड़ी मोटी सिलाइयाँ लेंगे, जैसे 9 या 8 नंबर की भी लेंगे तो ये बहुत सुंदर ढीला ढीला पैटर्न बन के आएगा, जो कि बहुत सुंदर लगता है शॉल पे और स्टॉल पे। दोनों तरफ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बुनने में फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी है। तो चलिए बुन के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए लिए है मैंने 17 स्टिचेस। ये डिज़ाइन जो है ये 3-3 के मल्टीपल में चलता है। आप 3-3 के मल्टीपल करके +2 कर लेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो आपके प्रोजेक्ट पे आराम से सेटल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसमें मैं 10 नंबर की सिलाई से ही बुन के आपको दिखा रही हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपको शॉल या स्टॉल पे बुनना हो तो आप इसमें 9 नंबर की सिलाई या 8 नंबर की सिलाई भी अपने वूल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बुन के दिखाती हूँ, बहुत ही इजी है। तो मैं इसमें रॉन्ग और राइट साइड नहीं बोलूँगी क्योंकि ये दोनों तरफ से चलने वाला पैटर्न है, तो एक सिलाई का ही पैटर्न है। आप ध्यान से देख लीजिए एक सिलाई इसकी। ये बिल्कुल वेरी फर्स्ट रो से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको शॉल, स्टॉल या जैकेट पे डालना है तो आप नीचे बॉर्डर मत बनाइए, सीधा ही इसको पैटर्न को स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, ये आपका एस स्टिच है, इसको ऐसे उतार लीजिए और फिर धागा आगे लाके 2 फंदों का एक फंदा बनाइए, उल्टा बुनते हुए। 2 फंदे इकट्ठे उल्टे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ ही आप रहने दीजिए और एक सीधा फंदा बुनिए। देखिए, यहाँ पे आ जाएगी आपकी जाली। ये जैसे आपने 2 का 1 किया है तो फंदा घटा है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका साथ के साथ वो फंदा बढ़ गया है और साथ के साथ जाली आ जाएगी। बस यही जो पैटर्न है ये आपको रिपीट करते जाना है। अब देखिए कैसे करेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। देखिए ऐसे, धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे और सीधा फंदा बुनेंगे। ये देखिए जाली आ रही है इसमें। फिर से ऐसे करेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, धागा अपने तरफ रहने देंगे और सीधा फंदा बुन देंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है, जिसको थोड़ा सा भी बुनना आता है वो आराम से इसको बना लेगा। ये देखिए, 2 फंदों का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए, धागा अपनी तरफ और सीधा फंदा बुन देंगे। 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ और सीधा फंदा बुन देंगे यहाँ पे। और लास्ट का जो एस स्टिच आपका रहेगा इसको आप उल्टा बुनिए। देखिए ऐसे, ये मैंने पहली रो जो है जो आपको मैंने बताया है कि एक ही सिलाई का डिज़ाइन है ये मैंने डाल ली है। अब मैं आपको दूसरी साइड यही रो रिपीट करके दिखाऊंगी जो मैंने डाली है, ताकि आपको पता चले कि सेम टू सेम वही आपको दोनों साइड एक ही रो डालनी है। दूसरी साइड में आ गए हैं। देखिए, मैं वही रो रिपीट करने जा रही हूँ, आप ज़रा रिमाइंड कीजिए अपने दिमाग में। पहला फंदा आप ऐसे उतार लीजिए, सीधा धागा अपनी तरफ। ये 2 फंदे हैं, एक जाली वाला होगा एक पहले का, और इसको आप 2 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए। देखिए ऐसे, और नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ रहने देंगे, यहाँ पे जाली आ जाएगी। देखिए है ना, सेम वही पैटर्न जो हमने पहले एक सिलाई डाली है वैसा ही सेम टू सेम है ये। तो ये एक सिलाई आपको ऐसे ही
सब तरफ रिपीट करते जाना दोनों तरफ। देखिए दो का एक कर दिया मैंने, धागा अपनी तरफ, सीधा फंदा बुनेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, देखिए ऐसे धागा अपनी तरफ, सीधा फंदा बुनेंगे, दो का एक करेंगे, ये एक इसमें जाली वाला फंदा आएगा, धागा अपनी तरफ, सीधा फंदा बुनेंगे, दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ और सीधा फंदा बुनेंगे, और लास्ट का फंदा आप उल्टा ही बुनेंगे क्योंकि आपका ये एस स्टिच है। तो इसी तरह से मैंने रो जो मैंने पहले आपको दिखाई थी उसको रिपीट करके दिखाया मैंने। देखिए फ्रेंड्स, रो वन को जो मैंने एक डाली थी उसको ही मैंने रिपीट किया है। थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन दिखने लग गया है, अभी ये दिखेगा नहीं ज़्यादा, अभी थोड़ी सी सिलाइयाँ आप और डालोगे तो ये डिज़ाइन आपको देखिए ऐसा ऐसा दिखने लग जाएगा, जो कि बहुत सुंदर लगेगा। और फ्रेंड्स ये बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होता है ये डिज़ाइन जो है, ये आप बच्चों के स्वेटर पे भी निकाल सकते हैं। आप छोटे नंबर की सिलाई से डालिए, जैसे मैंने 10 से डाला है ये, तो ये बहुत सॉफ्ट बन के आएगा। कैप पर डाल लीजिए बच्चों के, बहुत सुंदर बनेगा। तो एक बार आप भी ट्राई करके देखें, इसको थोड़ा सा बनाएं, सिर्फ एक सिलाई का तो पैटर्न है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए सिलाइयाँ लेके और इसको बना के देखिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।